गदर 2 फिल्म को रिलीज होने से पहले ही ब्लॉकबस्टर बना दिया है। मूवी का ट्रेलर लोगों ने काफी पसंद किया है और उन्हें पता है कि 11 अगस्त को तारा सिंह यानी कि सनी देओल हथौड़ा लेके आने वाले हैं सिनेमा हॉल में। आइए जानते हैं गदर 2 ब्लॉकबस्टर होने का। पाकिस्तान इसमें लाहौर ले जाए, लाहौर ले जाए। साल 2001 में जब सनी देओल और अमीषा पटेल और अमरीश पुरी के मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म गद्दर एक प्रेम कथा सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, तब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कर्ण रिकॉर्ड तोड़ दी थी। ये फिल्म उस समय रिलीज हुई थी जब कारगिल वार के बाद देश व भक्ति का जुनून सब में था। सनी देओल का तारा सिंह का जोरदार रोल, उनकी डायलॉग हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इंडियन सिनेमा में काफ़ी प्रभाव छोड़ा था। फिल्म की सफलता ने सनी देओल के एक एक्शन हीरो के रूप में लोकप्रियता और बढ़ा दी और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी स्थिति मजबूत कर दी थी। जबकि सीक्वल गद्दर 2 11 अगस्त को सिनेमा हॉल में रिलीज होने के लिए तैयार है, तो बड़ा सवाल ये भी है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, साल 2001 में गद्दर 1 जब निकला था तो सनी देओल ने क्या किया था, पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया था और उसी से शादी भी की और उनके बच्चे हुए और कुछ दिन बाद वो अमरीश पुरी आए पाकिस्तान से इंडिया में अपने बेटे को ले जाने के लिए। तो कुछ दिन, कुछ महीने बाद, कुछ 6-7 महीने बाद तो वो सनी देओल के जो बेटे थे छोटे वो अपने माँ से मिलने के लिए जिद कर रहे थे। तो लास्ट में क्या किया सनी देओल ने, बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंचने के बाद अपने माँ से मिलाया बच्चे को। वो तो गदर 1 में वो अपने वो वाइफ को लाने गए थे, लेकिन गदर 2 में अभी क्या है कि गदर 2 में क्या है, वो अपने बेटे को लाने जाता है। जैसे सनी देओल ने पाकिस्तान गया था अपने प्यार के चलते, वैसे ही सनी देओल के गदर 2 में सनी देओल के बेटे पाकिस्तानी लड़की से प्यार करते हैं और वो जाते हैं लाने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पे बंधक बना लिया जाता है। इसीलिए सनी देओल लास्ट में जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन इस बार क्या होता है, भयंकर वाला बवाल हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का पहिया उखाड़ देता है। गदर 1 में क्या हुआ था कि कल उखाड़ दिया था चापाकल, लेकिन इस बार तो गाड़ी का पहिया कल उकल सब उखाड़ दिया। अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।